नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी ने ज्वाइन की भाजपा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिलाई सदस्यता। उत्तराखंड राजभवन में इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक का विमोचन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया विमोचन। लेखकों को दी बधाई। देश भर में आचार संहिता लागू। प्रशासन ने बाजारों में लगे पोस्टर बैनर हटाने की शुरू की कार्रवाई। चेतावनी, बाजारों से हटे बैनर पोस्टर। नशा तस्करों पर उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई। 800 ग्राम चरस और 13.37 ग्राम स्मैक के साथ तीन गिरफ्तार। तो वहीं अगले चार दिन शुष्क रहेगा मौसम। मैदानों में चढ़ेगा तापमान। गर्मी से परेशान लोग कहेंगे त्राहिमाम। खबर है विस्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के चमोली जिले के बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण उन्होंने कर ली है। दिल्ली में राजेंद्र भंडारी ने पीयूष गोयल, सीएम धामी, अनिल बलूनी और दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। अनिल बलूनी ने राजेंद्र भंडारी को पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं, और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें, तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, वैसे इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो, चार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एक के बाद एक प्रदेश कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जहाज डूबता है तो हर एक व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती है। अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति वहां से निकलना ही समझदारी समझता है। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अभी अभी जानकारी मिली है कि इनके विधायक और भंडारी जी ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब जहाज डूबता है, देख, हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती है। उनको मालूम है अगर देश का भविष्य सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथों में है। उनका भी राजनीतिक भविष्य अगर सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथों में है। इसीलिए सब लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। वहीं भाजपा द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ ही अब भाजपा अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुकी है। उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। अपने सीएम कार्यकाल के 4वें साल पूरा करने की दहलीज पर उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से त्रिवेंद्र भाजपा में मानो साइड लाइन थे, लेकिन अब उन्हें भाजपा ने हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। अब बनवास तो ऐसा हो गया कि लोग आप थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाएंगे तो बोले बनवास आ गए क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि ये कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है,
और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में मैं दे सकूंगा। देश में लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद उत्तराखंड में पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में भाजपा ने अपने 5 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर मंथन कर रही है। संभावना है कि सोमवार को दोनों सीटों के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही हैं, जिसके तहत भाजपा मोदी की गारंटी और योजना जनजाति तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं कांग्रेस भी अपनी गारंटियों के साथ प्रदेश भर में प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां पहले से कर रखी हैं और चुनाव की जैसी तिथि घोषित की गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक बूथ स्तर पर जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो कार्यक्रम तय किए हैं वो कार्यक्रम हमारे सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 4th गियर में अपना प्रचार प्रसार करेगी और अभी भी 3 प्रत्याशी जो हमारे घोषित हो चुके हैं वो अपने अपने क्षेत्र विशेष में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देख लीजिए, बलूनी जी दिल्ली में पोडवाल को ज्वाइन करा रहे हैं, गायिका को, तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का टोटा हो गया जो लोगों की ज्वाइनिंग तक नहीं करा पा रहे मुख्यालय में और पौड़ी से दौड़ लगानी पड़ रही है बलूनी जी को मुख्यालय। सभी लोगों को उम्मीद थी कि देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव के साथ ही मंगलौर विधानसभा में भी उपचुनाव हो जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। पर जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया उसमें मंगलौर विधानसभा चुनाव का जिक्र नहीं था। वहीं मंगलौर विधानसभा के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि उन्होंने स्वर्गीय विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली हुई थी, पर उसे उन्होंने 25 नवंबर को वापस ले लिया था। इस पर भी चुनाव आयोग ने मंगलौर विधानसभा के चुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया? इलेक्शन पिटीशन की वापसी के आदेश हुए हुए हैं, कोई प्रोसीजर कोई प्रक्रिया कोई आखिरी लम्हे की रह गई हो अलग बात है, ये सरकारी गजट है उत्तराखंड का, इसमें देखिए 73वें पेज पर छपी हुई है 21 फरवरी 2024 काजी निजामुद्दीन पेटिशनर वर्सेस सरवत करीम अंसारी, ये इसकी वापसी का ये गजट प्रॉपर छपा हुआ है, सरकारी दस्तावेज है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी भाजपा द्वारा अपने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, तो इसी के साथ पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदिया को प्रत्याशी बनाया है। इसी क्रम में कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वार की राजनीति शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इस समय गणेश गुदियाल और अनिल बलूनी की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सांसद अनिल बलूनी को दिल्ली वाला बताया गया है और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गुदियाल को पहाड़ का निवासी बताया है। अनिल बलूनी जी एक जो हमारे युवा सांसद के रूप में पौड़ी से जीत के जाएंगे भारी बहुमत से, वो रियल में ये जो आने वाली जो सदी है इस सदी के वो पहाड़ के विकास पुरुष साबित होंगे। अगर आप अनिल बलूनी जी को देखें 5 साल का उनका जो सांसद का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में भी वही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उत्तराखंड की हर पल हर क्षण चिंता की है। पर जो विरोधी पक्ष के प्रत्याशी हैं वो तो मंत्री स्तर तक रह चुके, वो विधायक रह चुके। उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी ट्रेनिंग देंगे।
देखिए इन मॉडर्न मदरसों में हमने एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल वीएस मलिक गोखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं, वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फिलहाल उन्होंने अपनी दो बेटियों को ताशी और नोशी को एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उन्होंने उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं मॉडर्न मदरसों उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए देश की फौज के लिए तैयार कर सके, कैसे हम बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर कूट कूट के राष्ट्रवादी विचारधारा को भर सके, उसके लिए जो एक्स आर्मी मैन हैं जो एक्स फौजी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है फिजिकल ट्रेनर के रूप में। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे फिजिकल ट्रेनर होंगे, देश के ऊपर जो अपने भाव को समर्पण का भाव रखते हैं ऐसे लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो मेरे बच्चों के अंदर भी राष्ट्रवादी विचारधारा कूट कूट के भरी जाएगी और वो भी इस लाइन के ऊपर आगे चलेंगे, तन समर्पित मन समर्पित। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशा तस्कर के घर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि मोहल्ला नई बस्ती गुलर घाटी निवासी रमेश त्यागी, जो कि काफ़ी समय से नशे का अवैध कारोबार अपने घर से संचालित कर रहा था, इसी क्रम में उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति पूर्व में भी अवैध रूप से नशा बेचने के मामले में जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि शनिवार की शाम मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में उक्त आरोपी के घर में न्यायालय से जारी सर्च वारंट के आधार पर कार्रवाई की, जिसके बाद तलाशी लेने पर पुलिस ने घर से 6 किलो से अधिक गांजा बरामद करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। ये रामनगर पुलिस ने एक आरोपी रमेश त्यागी पुत्र नन्हे त्यागी को गिरफ्तार किया है। लगभग 6 किलो गांजा उससे बरामद हुआ है। पूर्व में भी कई बार वो नशे के साथ जेल जा चुका है सामान के साथ, और इसमें कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में उसके पास गांजा बरामद हो सकता है। इस पर हमने उसका उसके घर का तलाशी वारंट संबंधित न्यायालय से प्राप्त किया है और उसके बाद श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के साथ जाकर उसके घर पर तलाशी ली गई, जिसमें ये 6 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी की सीमाओं से लगने वाला हरिद्वार जिला कई मायनों में संवेदनशील है। जिले के एसएसपी परमिंदर सिंह डोवाल ने जिला पुलिस के सभी अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर आचार संहिता के दौरान बरती जाने वाली सभी तरह की सावधानियों को लेकर निर्देश दिए। वहीं एसएसपी ने बताया कि जिले में गैंगस्टर जो वल्नरेबिलिटी की मैपिंग है और जो वल्नरेबिलिटी के साथ साथ जो क्रिटिकल जो हमारे सेंटर्स हैं उसके संबंध में भी एक विस्तृत चर्चा की गई थी, खासकर फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जो आवश्यक जो कार्रवाई है, खासकर सीजर की कार्रवाई और असलहों के जमा करने की कार्रवाई, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आगामी होली का जो त्यौहार है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि ठीक इलेक्शन के आसपास ये त्यौहार है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा सभी पूरे संपूर्ण हरिद्वार में जो जो सेंसिटिव एरिया है उनको चिन्हित करके वहाँ पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसकी एक रणनीति। दो हजार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके बाद से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने और चुनाव में मतदान के दौरान 100% मतदाताओं की उपस्थिति को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ ही सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहा है।
इसको लेकर विकास खंड सभागार में तहसीलदार कुलदीप पांडे ने विकास खंड की सभी बीएलओ और सुपरवाइजर की बैठक लेते हुए चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश दिए हैं। सोलह मार्च 2023 को 24 को माननीय आयोग द्वारा एमसीसी हेतु लागू किया गया है, साथ ही जो इलेक्शन लोकसभा चुनाव का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है और एमसीसी लागू भी होगी, तो उसके दृष्टिगत मेन चूँकि अभी जो एब्सेंटी वोटर्स होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन्स और जो सीओ से ग्रसित हैं या जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसके संबंध में इनको जारी जानकारी दी गई, जिसमें इनका अहम रोल होगा जो पोस्टल बैलेट सीनियर सिटीजन और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों ने भरे जाना है तो उसको कैसे भरा जाना है, क्या प्रारूप है और किन किन के द्वारा माध्यम भरा जाएगा, क्या बेंचमार्क है, क्या मानक है, उससे उनको अवगत कराया गया। मसूरी में देर शाम को दर्दनाक हादसा सामने आया। मसूरी केमल बैक रोड दुर्गा मंदिर के पास सीवरेज लाइन डालते हुए पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने से दो मजदूरों उसकी चपेट में आ गए, जिससे एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने आनन-फानन में दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला, तब तक एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों मजदूरों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी के उपजिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद एक मजदूर को मृत घोषित किया जबकि दूसरे का इलाज जारी है। बताया गया था कि साइड पे काम कर रहे थे, मिट्टी में दब गए थे, इनको चेस्ट में इंजरीज हैं और स्पाइन में इंजरीज बता रहे हैं। एग्जामिन में करके देखा तो इनको तो चेस्ट एक्सरे के लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, इनका एक्सरे स्पाइन का भी और चेस्ट का भी। वो स्टेबल है, वाइटल स्टेबल है वैसे, ठीक है। और जो दूसरा पेशेंट है वो तो ऑन द स्पॉट ही मेडिकल से एक्सपायर हो गया था हमारे पास। दूसरे वाले अल्मोड़ा के जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है, इसलिए इस अवधि में कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमांतर्गत अपने अस्त्र शस्त्र धारदार घातक हथियार और लाठी डंडा लेकर नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था में लगे सुरक्षा बलों, कार्मिकों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, पीएसी बलों और ऐसे समुदाय जिनको शास्त्रों के साथ पारंपरिक रूप से चलने की अनुमति है, वे अतिरिक्त समक्ष अधिकारी की लिखित अनुमति के जनपद की सीमा के अंतर्गत जुलूस नहीं निकालेगा। नैनीताल के भीमताल में नगरपालिका द्वारा आदर्श आचार संहिता लगते ही सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भीमताल नगरपालिका ने ब्लॉक रोड भीमताल बाजार सहित खोटानी चौराहे में राजनीतिक पोस्टर बैनर हटाए और नगरपालिका के अधिकारियों का कहना है कि पहले 24 घंटे में सरकारी स्थान से ये बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं, उसके बाद सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ भवनों से भी बैनर पोस्टर झंडे हटाने का कार्यक्रम किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा 24 घंटे के अंदर तो सरकारी संपत्ति से पोस्टर बैनर हटाए जाएंगे, फिर अगले 24 घंटे में सार्वजनिक भवनों से और स्थानों से हटाए जाएंगे, उसके अगले 24 घंटे से पब्लिक पर्सनल आवासों से हटाए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा गार्ड सलामी लेने के पश्चात पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ का कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पूर्व में अपर पुलिस अधीक्षक देहरादून, पुलिस अधीक्षक क्राइम हरिद्वार, पुलिस अधीक्षक चमोली जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रहे हैं। वादी अगर आता है तो उसकी बात सुनी जाए, की बात सुनने के पश्चात उस पर सुसंगत धाराओं में अगर अभियोग पंजीकृत किया जाना तो अभियोग पंजीकृत कर उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो चूंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ हमारा जनपद है और यहाँ पे अपने अलग चैलेंजेस है, उसको भी कर्व करने के लिए हम और बेहतर प्लान स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि किस तरीके से हम जो स्मगलिंग वाला मेनेंस उसको कम करें। नशे को लेकर के भी हमारी इसमें पहल पूर्व में भी चली आ रही है, उसको और तरीके से हम इसको चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025, उसको सार्थक बनाने हेतु हम इसमें अपने अथक प्रयास करेंगे। विगत 25 दिनों से सितारगंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर के मुख्य चौराहे पर नारेबाजी करते हुए कोतवाली सितारगंज का घेराव किया, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन से उन्हें समझाया कि ये मामला उनके हाथ में नहीं है। कोतवाल ने कहा कोतवाली के सामने उनका प्रदर्शन व्यर्थ है।
प्रशासन आया और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। इनकी भी अपनी मजबूरी, हमारी भी अपनी मजबूरी है, काम तो विभाग ही करेगा, पुलिस वाले तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें प्रशासन तक ये मैसेज देना था कि हमें आज 25 दिन हो गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और क्या कहते हैं, हमारे मांगों में तुरंत सुनवाई की जाए, हम भी अपने कार्य बहिष्कार को समाप्त करके अपने कार्य पे लौटे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोई लिखित में नहीं मिलेगा, तो सर हम अपने कार्यों पे कैसे पूर्ण लौट सकते हैं, कैसे समाप्त कर सकते हैं, जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है न शासन से न प्रशासन से। लोकसभा चुनावों को देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस और थाना पुरौला क्षेत्र से अवैध चरस और स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कोतवाली उत्तरकाशी में पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा 13 ग्राम से ज़्यादा अवैध स्मैक और थाना पुरौला में एसओजी और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 800 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।